हेलो क्यूटीज, तो मैं आ गई हूँ ये सॉफ्ट डी और ग्लोई पिंकिस सा मेकअप लुक लेके। ये मेकअप मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट में किया है और सारे के सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अफोर्डेबल हैं। और ये मेकअप लुक आप देख सकते हैं, इतना ज़्यादा सॉफ्ट हुआ था, मैं सच में बता रही हूँ। ये मेकअप लुक मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज यही मेकअप लुक हम सीखने वाले हैं। और मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप में बताऊँगी और कुछ टिप्स भी शेयर करती रहूँगी, ताकि आप लोगों को मेकअप करना अगर नहीं आता है तो इजीली आ जाएगा। और काफ़ी सारे टिप्स वगैरह होते हैं जिनसे हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनता है, सॉफ्ट बनता है और केकी पैची नहीं होता है। तो आज यही मेकअप लुक कम करने वाले हैं। ये मेकअप आप कहीं भी कॉलेज पार्टी फंक्शन ऑफिस कहीं के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट सा मेकअप है और बिल्कुल पिंकी सा, बहुत ही प्यारा मेकअप है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ रूपिका और स्वागत करती हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल रूपिका मेकअप में। तो उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ये भी उम्मीद है कि वीडियो आज आपकी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि ये मेरा पर्सनली फेवरेट मेकअप लुक है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल इजी स्टेप में मैं करने वाली हूँ, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप स्किप कर देंगे तो क्या होता है, आप कोई भी स्टेप इधर उधर कर देते हैं ना, तो फिर आपका पूरा मेकअप ख़राब हो जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया, और फेस क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हमें फेस को अच्छे से सुखा लेना होता है, उसके बाद हम टोनर का यूज़ करते हैं। टोनर यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके पास गुलाब जल हो तो उसे यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करता है, हमारी स्किन को के पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, हमारी स्किन को टाइट करता है और ग्लो बना के रखता है हमारे फेस पे। उसके बाद में ये मैंने यूज़ किया है प्लम का सीरम। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वही आप सेम यूज़ कर सकते हैं, अगर ड्राई है तो आप चेंज कर सकते हैं, बट स्टेप आपके सारे ऐसे ही रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने सीरम लगा लिया, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो यहाँ पे मैं मॉइस्चराइज़र स्किप कर दूंगी। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप मॉइस्चराइज़र बिल्कुल भी ना स्किप करें, क्योंकि गर्मी है तो मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन अगर ड्राई है तो आप लगा सकते हैं। ऑयली स्किन वाले अगर सीरम लगा रहे हैं तो स्किप कर सकते हैं, अगर मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं तो सीरम ना लगाएं, डिपेंड करता है आपके ऊपर कौन से प्रोडक्ट हैं, दोनों में से एक प्रोडक्ट ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर का कलर करेक्टर लिया है, और थोड़ा सा जहाँ पे मेरी स्किन अनइवन है, डार्क सर्कल है, बिल्कुल लाइट ही फिंगर से ही अप्लाई करना है। उसे अप्लाई करने के बाद मैं कंसीलर लगा रही हूँ, ताकि हमारे जो हाईलाइट पॉइंट है या फिर जहाँ पे हमारी अनइवन स्किन टोन है तो अच्छे से वो हाइड हो जाए। और बिल्कुल लाइट ही लगा रही हूँ, और जो भी प्रोडक्ट हम लगाएंगे वो बिल्कुल हल्के हल्के ही लगाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेंगे। अगर आप बिगिनर है तो मैं आपको बोलूँगी सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है और आप मेकअप करना सीख जाएंगे। मुझे 100% श्योर है कि अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मैं इतने अच्छे से सारी चीज़ें समझाती हूँ, आप मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेकअप आ जाएगा, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। और मेकअप प्रोडक्ट भी मैंने ऐसे ऐसे यूज़ किए जो अफोर्डेबल है, तो आप पहले स्टार्टिंग में अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट से मेकअप स्टार्ट कीजिए। और इसे देख रहे हैं कि मैंने ब्यूटी ब्लेंडर लिया, और ब्यूटी ब्लेंडर को कभी भी आपको ड्राई नहीं अप्लाई करना है, ब्यूटी ब्लेंडर को हमेशा पानी में डिप करके रखें 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद आप देखेंगे वो अच्छे से पानी जब एब्जॉर्ब कर ले तो उसे अच्छे से निचोड़ के एक हैंकी से उसे थोड़ा सा ड्राई करें, और उसी ब्यूटी ब्लेंडर से हमें अपने फाउंडेशन को कंसीलर को ब्लेंड करना होता है। अगर हम ड्राई करते हैं तो जो हम प्रोडक्ट फेस पे लगाते हैं वही है आपके ब्यूटी ब्लेंडर में आ जाता है। अगर हम थोड़ा सा उसे गीला करके निचोड़ के लगाएंगे तो हमारे ब्यूटी ब्लेंडर में नहीं आएगा प्रोडक्ट, और बहुत ही इजीली आप देख रहे हैं ये ब्लेंड होता है। और हाँ, मैं बता दूं कि आपको कंसीलर के लिए मैंने यूज़ किया था स्विस ब्यूटी का कंसीलर, और फाउंडेशन भी स्विस ब्यूटी का ही है जो अफोर्डेबल है। और स्विस ब्यूटी के जो प्रोडक्ट होते हैं अफोर्डेबल होते हैं, और साथ में कोई कोई प्रोडक्ट इतने अच्छे होते हैं जो महंगे प्रोडक्ट को टक्कर देते हैं। तो यहाँ पर ये अगर आपकी स्किन जो है ऑयली है तो ये फाउंडेशन आपके लिए बेस्ट होगा। मेरे कहने पे एक बार अगर आप कोई अच्छा फाउंडेशन देख रहे हैं तो ये ले सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मैंने सेटिंग स्प्रे लिया और अपने ब्यूटी ब्लेंडर पे और फेस पे भी थोड़ा सा अप्लाई किया, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से डैब डैब कर दे रही हूँ। ये अच्छे से हमारे
बेस को जो है सेट कर देगा। और यहाँ पे आज मैं कोई भी कॉम्पैक्ट या ब्लूज़ पाउडर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट ही ज़्यादा नहीं लगाया है, वो इजिली हमारी स्किन में अच्छे से लॉक हो चुका है सेटिंग स्प्रे से। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगा के इसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया कलर स्टूडियो का पैलेट, इसमें जो ब्राउन कलर है उसी से मैं फेस को कंटूर कर रही हूँ। और फेस कंटूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, प्लीज़ स्किप मत करना, क्योंकि मेकअप में सबसे ज़्यादा जो मेन पार्ट होता है वो फेस कंटूर का होता है। क्योंकि हम प्रोडक्ट तो लगाते रहते हैं, इससे हमारे जो फेस के फीचर होते हैं वो अच्छे से दिखते नहीं हैं, मेकअप लगाने की वजह से वो थोड़े से हाइट टाइप के हो जाते हैं, तो उसे हमें दिखाने के लिए अच्छे से कंटूर करना होता है। और अगर आपको कंटूर की फुल वीडियो देखनी होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ में किस तरीके से आप अपने फेस को पतला दिखा सकते हैं, किस तरीके से आप अपने फेस को मोटा दिखा सकते हैं, फ्लफी दिखा सकते हैं, पफी दिखा सकते हैं, वो आपके कंटूर पर डिपेंड करता है। उसके बाद में यहाँ पे आईब्रो फिल कर रही हूँ मैं, और आईब्रो फिल करने के लिए मैंने वेट एंड बिल का किट लिया है। अगर आप आईब्रो अच्छे से फिल कर लेते हैं तो अगर आपका आई मेकअप हो ना हो, अगर आईब्रो फिल है तो पूरा मेकअप आपका, पूरा बेस, पूरा फेस का लुक बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो आईब्रो फिल करना आपको अच्छे से आना चाहिए, तो थोड़ा टाइम दीजिए आईब्रो फिल करने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप करेंगे थोड़ा सा मुझे पता है कि दिक्कत होती है, बट अगर आप सिर्फ आईब्रो फिल की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे मिल जाएगी, तो आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। तो आईब्रो फिल करने के बाद मैंने पिंक कलर लिया और पिंक कलर को मैं अपने आईलिड के ऊपर अच्छे से लगा रही हूँ, और उसके बाद में दोनों आँखों पे मैं लगा लूँगी। आप डिपेंड करता है कि आप कलर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल और पिंकिश सा मेकअप कर रहे हैं तो हम पिंक ही यूज़ करेंगे। दोनों आँखों पे अप्लाई करने के बाद मैं एक फ्लैट ब्रश लिया और उसमें थोड़ा डार्क ब्राउन कलर लिया, और आपको जहाँ पे ग्रीस लाइन है उसी पे अप्लाई करना। इस तरीके से आपको ऊपर जब देखेंगे तो एक लाइन सी आपको दिखाई देगी, जब आप ऊपर देखेंगे, अगर आपको इस तरीके से लाइन ग्रीस नहीं दिख रही तो ऊपर देखिए, आप देख सकते हैं इस तरीके से, तो वहाँ पे आपको एक लाइन सी दिखेगी, उसी लाइन पे आपको डार्क ब्राउन कलर लगाना है। उसके बाद वहीं पे ब्लेंड कर देना है, क्योंकि यही हमारी ग्रीस लाइन होती है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगी, क्रीज लाइन से आप अपनी कट क्रीज कैसे, कंसीलर से आप अपनी कट क्रीज कैसे निकाल सकते हैं। तो इसे अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैंने ब्लेंड किया। उसके बाद यहाँ पे एक आईलाइनर लिया जो सिल्वर कलर का है, उसे मैं आईलिड के ऊपर अप्लाई कर ले रही हूँ। इसकी जगह आप शिमर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इतने ईजी तरीके से ये आई मेकअप होता है, और ये आई मेकअप ऐसा है कि हर किसी को पसंद आने वाला है। किसी को अगर मेकअप भी नहीं आता होगा तब भी ये आई मेकअप उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर एक बार ये मेकअप ट्राई करना, और सच में आप भी इस मेकअप को पसंद करने लगेंगे। कहीं भी जाना होगा फटाक से आप इस मेकअप को करके रेडी हो जाएंगे, और हर कोई पूछने वाला है कि आपने मेकअप कैसे किया, किसने किया या फिर कहाँ से करवाया, कौन से प्रोडक्ट यूज़ किए। सच में ये मेकअप मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आता है। उसके बाद मैं वही पिंक कलर लिया, मैं देख रहे वाटर लाइन के नीचे अप्लाई कर रही हूँ। इसे असमझ करते हुए अप्लाई करना है, और आप देख रहे हैं कितना थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके मैं कर रही हूँ। बिल्कुल आपको ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेना है, और कभी भी आई शेडो प्रोडक्ट उठाएं तो आप उसे डस्ट आउट करें, उसके बाद अप्लाई करें। दोनों आँखों पे इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेना है, और ये आई मेकअप बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसकी जगह नीचे वाटर लाइन के नीचे ब्लैक कलर भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने मिस क्लेयर का ब्लश लिया, और ये बिल्कुल नेचुरल सा लुक देता है। तो अगर आप कोई अफोर्डेबल ब्लश चाहते हैं तो ये ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और इसे मैंने एक ब्रश में लिया, उसे डस्ट आउट किया, बिल्कुल हल्के हाथों से मैं अप्लाई कर ले रही हूँ, थोड़ा सा नोज पे भी कर लूँगी, और ये बिल्कुल नेचुरल सा आता है। एक बार ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी अच्छा ब्लश है। और उसके बाद में यहाँ पे मैं लगा लूँगी हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए मैंने यूज़ किया है हुडा ब्यूटी का हाइलाइटर। मस्कारा के लिए मैंने लिया है मैबलिन का हाइपर कल मस्कारा, और ये काफ़ी अच्छा मस्कारा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आईलैशेस लगा लिया है, ये आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपका मन करे लगा लें। उसके बाद लोअर लैसेस पे भी लगा लूँगी मैं अच्छे से मस्कारा, और आंखें आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा प्रीटी खूबसूरत सी लग रही हैं। और मेकअप तो बिल्कुल मैं आपको अभी क्लोज आके दिखाऊंगी, इतना सॉफ्ट सा हुआ है,
तो आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेकअप कैसा लगा, और अगर आपको कुछ भी पूछना होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, क्योंकि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिप लाइनर के लिए यूज़ किया स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर, और मैं आज कोई लिपस्टिक का यूज़ नहीं करने वाली हूँ, इसी को मैं अच्छे से फिल कर लूँगी, और ये कलर मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है लिपस्टिक में। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैंने आउटलाइन किया, और आउटलाइन मैंने थोड़ा सा अपने लिप से बाहर किया, ताकि मैं अपने लिप को थोड़ा मोटा सा दिखा सकूं, और आप देख सकते हैं इसे मैं पूरे लिप पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और इस तरीके से आप लिप लाइनर से भी लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसके बाद भी सेटिंग स्प्रे का अप्लाई कर लें, और उसके बाद ये मेकअप तो वैसे भी पूरे दिन चलने वाला है। तो अगर कुछ भी पूछना होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और इस चैनल पे आपको बहुत सारे अफोर्डेबल प्रोडक्ट के मेकअप लुक देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ चेकआउट करना, इस पे आपको मिल जाता है मेकअप हैक्स, चैलेंजेस, रिव्यूज़, और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखनी है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कितना ज़्यादा क्लोज आके आपको दिखा रही हूँ, और बिल्कुल मेकअप पैची नहीं होगा आपका, पूरे दिन काला भी नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अच्छे टॉपिक पे आने वाली है कि मेकअप आपका काला क्यों हो जाता है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो गर्मियों के लिए हैं, तो मैं जल्द ही शेयर करने वाली हूँ। उसे देखने के लिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और अगर ये मेकअप लुक आप करते हैं कैसा होता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप मेरी इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं सारी चीज़ों को आपसे बात करके बता सकती हूँ। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है रूपी का मेकअप, ज़रूर जाके चेकआउट करना। तो चलती हूँ, मैं मिलूँगी आप लोगों से एक नए वीडियो में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।